आज पूरे झारखंड वासियों के लिए नई सौगात दी है। जी उसी तरह से आज 1932 को लेके आज झारखंड सरकार ने फैसला सुनाया है और ओबीसी के लिए आज 27% आरक्षण देके पूरे झारखंड वासियों के लिए नई सौगात दी है। आइए मैं अभी बेला प्रखंड के बीबीसी चौक में मौजूद हूँ और इस जगह पे सारे कार्यकर्ता मौजूद हैं। आज जो ये ऐतिहासिक 1932 को खतियान को लेकर के जो आज हमारे युवा सम्राट सीएम साहब श्री हेमंत सोरेन का जो अनोखा पहल रहा है, ये पूरा झारखंडियों के लिए एक हर्षोल्लास। जिस प्रकार हम लोग होली दीपावली और बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं, उसी को लेकर के संदर्भ हम ये कहना चाहते हैं 1932 जो आज पारित हुआ है झारखंडियों के लिए। जब हम जानते हैं कि बिहार बिहारियों का, बंगाल बंगालियों का, महाराष्ट्र मराठियों का, तो फिर झारखंड झारखंडियों का क्यों नहीं। और उसी को एक पहल के रूप में जो आज सीएम साहब ने जो ये धरातल में उतारने का काम किया, इसके पहले हमारे काफी सरकार आई लेकिन उसमें ये निराधार नहीं निकल पाया, लेकिन उसको आज झारखंडियों को हक दिलाने का काम जो सीएम साहब द्वारा किया गया, इसमें हम लोग काफी खुशी है। ये गठबंधन की सरकार ने वो एक मैनिफेस्टो तैयार किया था इलेक्शन लड़ने को, उसी को लेकर के आज वो धरातल पर हर एक काम को ले रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस तरह से आज हेमंत सोरेन ने, झारखंड के मुख्यमंत्री ने आज सभी के लिए, झारखंड वासियों के लिए नई सौगात दी है, इस पे क्या कहेंगे आज? जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से हिम्मत करके काम करके दिखाए हैं, जो 20 वर्षों के बाद आज झारखंडियों की अलग पहचान देने का काम किया है, 1932 खतियान झारखंडियों के एक पहचान दे दिए और स्वर्ण अक्षरों में ये एक इतिहास में दर्ज हो जाएगा कि झारखंडियों के लिए कोई माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से कार्य किए हैं उसको कोई उसका टक्कर देने वाला नहीं है। इस तरह का नेता, खास करके मुख्यमंत्री जी, ये फिक्स हो गया है कि आने वाला 50 साल तक इन्होंने राज करेंगे और हम लोग झारखंडियों ने ठाना है हेमंत सोरेन को 50 साल गद्दी में बैठाना है। सबसे पहले तो मैं युवा मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं और झारखंड जोहार करते हैं। 1932 से खतियान लागू होने से यहाँ के युवाओं को रोजगार बढ़ेगा और सबसे पहला बात है कि 1932 से खतियान आज 20 सालों से सरकार चल रही थी विपक्षों का, लेकिन उन्होंने कभी नहीं किया। ये झारखंड की भूमि, अपना माटी का बेटा झारखंडी का इंतजार कर रहा था और वो इंतजार खत्म हुई। आज 11 नवंबर 2022 को कैबिनेट में झारखंड पुत्र माननीय हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री ने पारित कर दिखाया है कि झारखंडी ही जानता है झारखंड का दर्द, इसलिए 1932 से खतियान उन्होंने लागू किया और विपक्षों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। और विपक्ष ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 1932 खतियान करके लागू करके क्या किया, अरे उन्होंने यहाँ के युवाओं को 1932 खतियान लागू करके उनकी पहचान कराई है। अपनी माटी की भूमि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ये दिलाया और 1932 के आधार पर लोगों को यहाँ का रोजगार का सृजन बनेगा। क्या कहेंगे आपके आज झारखंड के युवाओं के लिए? खुशी का माहौल है, एक सौगात के रूप में हम लोग युवा मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी ने युवाओं को एक सौगात दिया है। ये 1932 खतियान नहीं, एक रोजगार का रास्ता खोला है। आने वाले दिनों में हम युवाओं को, आने वाले पीढ़ियों को बहुत इससे फायदा मिलने वाला, रोजगार बढ़ेगा और इससे हर एक तबका का फायदा होने वाला है। जिस तरह की लड़ाई हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड अलग के लिए लड़ा था, आज ये साबित कर दिया कि झारखंड अलग होने के बाद जो पहचान मिलनी थी नहीं मिल पाई थी, लेकिन आज ऐतिहासिक दिन में 1932 खतियान लागू करके हम एक इतिहास रचे। धन्यवाद। देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पे झारखंड सरकार के द्वारा आतिशबाजी कार्यकर्ताओं का भारी जोर से उठता है। जिस तरह से यहाँ पे कार्यकर्ताओं
उत्साहित है और सभी लोग चेहरे ऊंचा चल रहे हैं। झारखंड सरकार आज कैबिनेट में 1932 और 27% आरक्षण की जो बात सरकार ने पहले कही थी कि इसको हम लागू करेंगे, उस बात को आज झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट ने पास कर दिया है। इससे पूरे झारखंड में माहौल मतलब सोशियाली का माहौल है, हर जगह मिठाई पटाखे बांटी जा रही है और लोग खुशियां मना रहे हैं। झारखंड 1932 के खतियान आने से यहाँ के स्थानीय लोगों युवाओं को आने वाला समय में रोजगार के अवसर प्रदान होंगे, जिससे यहाँ के लोग काफ़ी खुश हैं और 27% आरक्षण मिलने से भी यहाँ के सभी लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, जिससे पूरे झारखंड क्षेत्र में खुशी का माहौल दिख रहा है। हर जगह से जो खबर आ रही है उसके अनुसार हर जगह सभी वर्ग के लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं।